चलिए अब बात करते हैं हम इस सैंडविच थ्योरम की। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम होती क्या है ना। तो क्या कहा गया कि लेट अ फंक्शन एफ एक्स जो कि लाई करता है इन बिटवीन टू फंक्शंस जी एक्स एंड एच एक्स एट दी नेबरहुड ऑफ ए, मतलब ए के नेबरहुड में है ना, वो एफ एक्स जो फंक्शन है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करता है। किसके नेबरहुड में? ए के नेबरहुड में, ठीक है ना। मतलब हमको ये कहा गया है कि एक एफ एक्स फंक्शन है जो दो गिवेन फंक्शन जी एक्स और एच एक्स के बीच में है। अच्छा, यहाँ पर इक्वलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। कई सिचुएशंस में यहाँ इक्वलिटी होगी और कई सिचुएशंस में यहाँ इक्वलिटी नहीं होगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऐसा ही सिचुएशन है। अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स निकालना है, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स की वैल्यू क्या है। सपोज ये L1 है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच एक्स की वैल्यू क्या है, सपोज ये L2 है। अगर ये दोनों L1 और L2 हैं तो तुरंत हम कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू भी L1 ही होगी। अगर ये दोनों वैल्यू L1 और L1 है तो तुरंत हम कहेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पर एफ एक्स भी कहाँ होगा, L1 पे ही होगा। बट ये केवल तब होगा जब एक फंक्शन एफ एक्स होगा जो दो गिवन फंक्शन जी एक्स और एच एक्स के बीच में होगा, और एफ एक्स और एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो हम जी एक्स और एच एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इस जी एक्स और इस एच एक्स की एक्स टेंडिंग टू ए पर लिमिटिंग वैल्यू सेम आ रही होगी तो इस एफ एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू वही आएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट सब लोग कनेक्ट कर पाए? अच्छा, आप यस सर, देखो लिमिट का मतलब आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, अप्रोच होता है। तो सपोज ये वाला फंक्शन हो गया एच एक्स, है ना, ये फंक्शन हो गया एच एक्स, ये फंक्शन हो गया आपका जी एक्स, और इन्हीं के बीच में कहीं ये फंक्शन एफ एक्स जा रहा है किसी पॉइंट ए के नेबरहुड पे। तो अब अप्रोच वाइज अगर आप काउंट करो, सपोज हम कहते हैं ये फंक्शन एच एक्स है, ये फंक्शन जी एक्स, और ये बीच में कोई फंक्शन एफ एक्स जा रहा है। अब आप नेबरहुड अगर काउंट करो ए पर, सही है ना। तो ए के नेबरहुड में इसकी अप्रोच L1, ए के नेबरहुड में इसकी अप्रोच भी L1, और इन दोनों के बीच में ही जी एक्स को रहना है, तो ऑब्वियसली उसकी अप्रोच भी कहाँ पहुंचेगी, L1 पे। क्या ये बात समझ में आई? अगर एच एक्स की अप्रोच एक्सटेंडिंग टू ए पर L1 दिख रही है, जी एक्स की अप्रोच भी L1 दिख रही है एक्सटेंडिंग टू ए के नेबरहुड में, तो चूंकि एफ एक्स फंक्शन जी एक्स और एच एक्स के बीच में है तो एक्सटेंडिंग टू ए पर उसकी भी अप्रोच ए के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं जा सकती? अरे बोलो। यस सर, जैसे मैं आपसे अगर क्वेश्चन वाइज कहूं कि एक फंक्शन एफ एक्स है जो कि 1 - x² / 2 से 1 + x² / 4 के बीच में है, ठीक है ना। एक फंक्शन ऐसा आपको दिया हुआ है और आपसे मैंने पूछा, फाइंड आपको करना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है और आपको ये फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन समझ पाए? नहीं यस तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट दोनों फंक्शन के आप डोमेन कैलकुलेट करोगे, हाँ या ना? सर, यस सर, सॉरी, डोमेन कह रहे हैं, लिमिट कैलकुलेट करोगे। तो लेफ्ट वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 - x² / 2 1, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 + x की पावर 4 / 4 भी क्या आएगा, 1। वन
तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर एफ एक्स भी कहाँ होगा, वन पे। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि दो फंक्शन और ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो वन होगी ना। अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझे? यस सर। अब देखिए, तो यानी कि हमें क्या करना होगा, एफ एक्स फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी और वो दो गिवन फंक्शन जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा होगा। तो हम जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, एच एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, अगर उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आएगी तो वही लिमिटिंग वैल्यू सर्टेनली एफ एक्स भी लेगा। अगर ये दोनों लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इस स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? सैंडविच थ्योरम में सिंपल सी बात है कि जो बाउंड्री वाले फंक्शन हैं उनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी जो उनके बीच में रखा हुआ फंक्शन है उसकी वैल्यू उनके बराबर आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? यस सर। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? यस सर। अच्छा जी, देखिए अब इस पर बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो थ्री बाई एक्स इंटू बॉक्स ऑफ नहीं x बाई थ्री इंटू बॉक्स ऑफ फोर बाई एक्स, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सही है? तब देखो इसमें क्या बोलोगे भाई, तो भाई लेफ्ट और राइट फंक्शन चाहिए। तो बॉक्स के बारे में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये वैल्यू 4 बाई एक्स माइनस वन से 4 बाई एक्स के बीच में होगी कि नहीं होगी? हार्डली इसके बराबर हो सकती है। कोई भी बॉक्स पिक कर लो, वो 4 बाई एक्स माइनस वन से 4 बाई एक्स के बीच में होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? Yes. कोई भी बॉक्स ऑफ, अगर मैं आपसे बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू पूछूं तो वो एक्स माइनस वन से एक्स के बीच में होगी कि नहीं होगी, हमेशा बताओ। Yes, sir. हाँ या ना बताओ मुझे। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो बोलो। No, sir. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब हमें एफ एक्स फंक्शन बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अरे बोतो, हमें एफ एक्स फंक्शन बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा? इसका मतलब एक्स बाई थ्री अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बीच में लाई करेगा, हाँ या ना? अब आओ दिखा सबको कि नहीं बताओ। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर अगर हम x बाई थ्री इंटू फोर माइनस एक्स बाई एक्स की लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो वो 4 बाई थ्री आ रही है, और लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर 4 बाई एक्स इंटू एक्स बाई थ्री की लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो वो भी 4 बाई थ्री आ रही है। तो हम तुरंत क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर x बाई थ्री इंटू 4 बाई एक्स के बॉक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी भाई? 4 बाई थ्री। क्या ये बात समझ में आई भाई? कैसे थ्योरम यूज हुई दिखा सबको, बताओ। अरे बोलो यार, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो वो बताओ मुझे। नहीं, क्लियर है कि नहीं है बताओ? यस सर। वेरी गुड। यस सर। चलिए इसी पर बेस दूसरा क्वेश्चन देखो, हमें निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू सॉरी एक्स नहीं एन टेंडिंग टू n tending to infinite box of x box of 2x से लेके box of nx whole divided by n square n tending to infinite पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी। समझ गए ना? सिंपल लॉजिक लगाया होगा यहाँ भी कि भाई बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस वन से एक्स के बीच में होगा, तो जो बॉक्स ऑफ टू एक्स होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? टू एक्स माइनस वन से टू एक्स के बीच में। नहीं समझ रहे हो क्या? सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद। अच्छा एक सेकंड बेटा। यस सर। हाँ भाई, तो ऐसे करते करते अगर हम बॉक्स ऑफ एन एक्स की बात करेंगे
तो क्या वो एन एक्स माइनस वन से एन एक्स के बीच में हो जाएगा? अरे बताओ, आप जैसे ही सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू एक्स से लेके बॉक्स ऑफ एन एक्स तक की जो सारी वैल्यूज हैं, एक्स कॉमन करेंगे तो वन प्लस टू से लेके एन तक का सम, और वन 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 करेंगे तो एन, और ये वैल्यू एक्स कॉमन करोगे तो वन प्लस टू से लेके एन तक के बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरे में क्या डिवाइड कर देंगे बताओ, एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या डिवाइड कर देंगे, एन स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या डिवाइड कर देंगे, एन स्क्वायर। अब वही फंक्शन आ गया, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स के बीच में आ गया। अब अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे देखेंगे तो क्या देखेंगे बताओ, एक्स एन इंटू एन प्लस वन माइनस टू एन बाई टू एन स्क्वायर, तो क्या ये एक्स बाई टू आ जाएगा, हाँ या ना? अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सॉरी एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो भाई, तो तुरंत आंसर इसका भी क्या आएगा, एक्स बाई टू। तो तुरंत हम क्या कहेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ टू एक्स से लेके बॉक्स ऑफ एन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स बाई टू। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, बताओ क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं भाई, लेफ्ट और राइट फंक्शन बना के कैसे लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट की गई, हाँ या ना? बोलो भाई क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? यस सर। गुड, अब भाई एक और क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन होता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, टू अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू, थ्री अपॉन एन स्क्वायर माइनस थ्री, डॉट 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 एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें हो क्या रहा होगा भाई, ये वन है ये भी वन है, ये टू है ये भी टू है, ये थ्री है ये भी थ्री है, ये एन है ये भी एन है ना? तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो ये जो सीरीज लिखी हुई है वो सिग्मा आर इक्वल टू वन से लेके एन आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर लिखी है कि नहीं, ये बताओ। यस। अच्छा yes. अब ध्यान से मुझे सोच के जवाब देना, एन स्क्वायर माइनस आर में इसकी मिनिमम वैल्यू एन स्क्वायर माइनस वन होगी और मैक्सिमम वैल्यू एन स्क्वायर माइनस एन होगी, सही लिखा है? सही लिखा है? यस सर। उल्टा लिखा है, हाँ, ये एन स्क्वायर माइनस एन होगी और ये एन स्क्वायर माइनस वन होगी। आप समझ में आया सही लिखा है कि नहीं भाई? एन स्क्वायर तो तीनों में बराबर है, जब वन हटाएंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और जब एन हटाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, वन से एन के बीच में, समझ गए कि नहीं? अच्छा, हमें इसके रेसिप्रोकल से मतलब है, इसका मतलब वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर जो है वो वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन से वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन होगा, हाँ या ना? इसका मतलब आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन जो है वो आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर जो है आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन के बराबर होगा। एम आई करेक्ट और नॉट यहाँ तक? अब इसमें बस सिग्मा लगाना है हमको आर की वैल्यू के हिसाब से, तो आर इक्वल टू वन से लेके एन आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, मतलब आई आर की वैल्यू वन टू थ्री फोर ऐसे रखते जाएंगे तो हर बार ये इनइक्वालिटी सेम आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी? यस। तो ये आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस आर की जो वैल्यू होगी वो आर इक्वल टू वन से लेके एन आर अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन के बराबर होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ये सम कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर माइनस वन। अरे बोलो। यस सर। यस सर। और ये सम कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन। अब तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा होगा, जैसे हम लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे एन एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस वन कैलकुलेट करेंगे, हाफ आएगा कि नहीं?
और जैसे हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू एन स्क्वायर माइनस n कैलकुलेट करेंगे, हाफ आएगा कि नहीं? अरे बोलो भाई। यस सर। तो इसका मतलब हम तुरंत क्या कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन टू अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू से लेके एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी भाई? हाफ। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे ब्रेक किया और कैसे सिंपलीफाई किया, अरे बताओ यार। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो अपनी बात बताएं मुझे अभी तुरंत। कैसे हम हर बार क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन एफ एक्स का सैंडविच बना ले रहे हैं दो फंक्शन के बीच में, जी एक्स और एच एक्स के बीच में, हाँ या ना? और फिर बाउंड्री वाले दोनों फंक्शंस की लिमिटिंग वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख दे रहे हैं। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं, बताइए। यस सर। बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सबसे आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस टू से लेके वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन। चलिए वैसे राइट आंसर वन है इसका। अरे भाई ये तो अभी मैंने बताया ना आपको कि एन स्क्वायर प्लस आर को अगर आप देखो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन स्क्वायर प्लस एन होगी और मिनिमम वैल्यू एन स्क्वायर प्लस वन होगी। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? यस। तो वन अपॉन जो एन स्क्वायर प्लस आर होगा वो वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन से बड़ा होगा, एन स्क्वायर प्लस वन के बीच में होगा। Yes, sir. इसका मतलब जो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर होगा वो वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन से वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस वन के बीच में होगा। बस इसी में सिग्मा लगाना था, आर इक्वल टू वन से लेके एन तक में। अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। आर इक्वल टू वन से लेके एन में वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस आर, r इक्वल टू वन से लेके n में वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन। अब जैसे इसकी वैल्यू सिंपलीफाई करोगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये तो पूरा कॉमन आ जाएगा, और वन 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 क्या हो जाएगा, n अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एन, तो ये वन आएगा कि नहीं? ऐसे इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखो तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये भी n अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन आएगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वन आएगी। तो तुरंत हम क्या कहेंगे कि लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट वन, मतलब वही वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी, वन। खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं समझ पाए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ मुझे, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? यस सर। कोई डाउट आ रहा हो तो वो बताओ, समझ गया हो तो वो बताओ। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो, हाँ या ना? यस सर। कोई किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो बताओ मुझे अपनी बात, बात समझ में आ गई सबको? डन। yes, हो गया भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। No, चलिए तो सैंडविच थ्योरम का लॉजिक सबको समझ में आया कि नहीं, क्या करना?